दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 11 मुकाबले पूरे हो चुके हैं और आईपीएल के 11वें मुकाबले में दो टीमें आमने सामने खेलते हुए दिखाई दी हैं और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन और लिविंगस्टोन में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 11वां मुकाबला दो खतरनाक टीम चेन्नई और पंजाब के बीच में खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें सबसे पहले चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोनों ही टीम चार चार विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए उतरी, जिसमें सबसे पहले पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल और शिखर धवन मैदान पर आए, लेकिन कप्तान मयंक अग्रवाल चार रन बनाकर दूसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए और बल्लेबाजी के लिए राजपक्षे आए और ये भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं पंजाब की टीम को शुरुआती में ही 2 झटके लग चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए लिविंगस्टन आए और लिविंगस्टन ने शिखर धवन के साथ मिलकर शानदार 95 रनों की साझेदारी कर डाली, जिसमें लिविंगस्टन ने एक ही ओवर में 26 रन भी जड़े और दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस आईपीएल का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया है। इसके बाद 10वें ओवर में लिविंगस्टन ने शानदार छक्का जड़ते हुए अपना पहला अर्धशतक 27 गेंदों में पूरा किया और 32 गेंदों पर 5 छक्के और 5 चौके की मदद से 60 रन बनाकर 11 ओवर में आउट हो गए। तो दूसरी तरफ 33 रन बनाकर 10 ओवर में धवन आउट हुए और इसके बाद जितेश शर्मा के 26 रन की बदौलत 15 ओवर में 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, लेकिन अंतिम 5 ओवर में मात्र 33 रन पंजाब की टीम ने बनाए थे और अपने 5 विकेट गंवा दिए थे और इसी के साथ पंजाब की टीम ने 180 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इसके बाद 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो चेन्नई की तरफ से पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करके आए रॉबिन उथप्पा से भी इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी और टीम को बेहतर शुरुआत देने का विश्वास भी कहीं ना कहीं था। तो दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ से पिछले 2 मैचों में शांत रहने के बाद इस मुकाबले में एक अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही थी और पहला ओवर डालने के लिए डेब्यूटेंट वैभव अरोड़ा आए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में मात्र 5 रन दिए और अपने डेब्यू में छाप छोड़ दी है, जिसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए रबाडा गेंदबाजी के लिए आए और पहली 2 गेंदों पर रॉबिन उथप्पा को फंसाया, लेकिन रॉबिन उथप्पा ने अगली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को 1 रनों पर आउट कर दिया और इस ओवर में मात्र 5 रन दिए। तो वहीं तीसरा ओवर डालने के लिए वैभव अरोड़ा दोबारा से आए और पहली ही गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने शानदार चौका जड़ते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन इसकी अगली गेंद पर वैभव अरोड़ा ने वापसी करते हुए रॉबिन उथप्पा को 13 रनों पर आउट कर दिया और अब दोनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले मैदान पर खड़े थे और दो नए बल्लेबाज मोइन अली और अंबाती रायडू मौजूद थे और दोनों ही बल्लेबाजों से साझेदारी की आवश्यकता थी चेन्नई की टीम को। और तीसरे ओवर में रबाडा ने 1 चौके के साथ 5 रन चेन्नई को दिए थे, लेकिन 5वां ओवर कराने के लिए वैभव अरोड़ा फिर से आए और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 1 रन ही दिया और चेन्नई की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी मोइन अली को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी। तो वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह आए और बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए खुद कप्तान रविंद्र जडेजा मैदान पर आ गए थे। तो वहीं रविंद्र जडेजा को भी बिना खाता खोले ही अर्शदीप सिंह ने पवेलियन भेज दिया और अब चेन्नई की टीम मुकाबले में काफी पीछे हो गई थी और अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे मैदान पर मौजूद थे। तो वहीं आते ही शिवम दुबे ने चौका जड़ दिया और इस ओवर में मात्र 5 रन दिए और पावर प्ले के अंत तक चेन्नई की टीम ने 27 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। तो दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।